हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द फ्लावर बायोलॉजी में, ठीक है। सेकंड चैप्टर द फ्लावर है। सबसे पहले हम लोग का क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले उसको हम लोग आगे बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर उसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, लिख लेते हैं चैप्टर द फ्लावर, ठीक है। अब इस फ्लावर में कैसे बनेगा इसको आगे हम लोग बना लेते हैं। लिख लेते हैं एंथर, इसको हम लोग कहेंगे फिलामेंट, दोनों को मिला के हो जाएगा हम लोग का स्टैमेन, हम लोग का पेटल, पेडिशियल, थैलेमस, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। चलिए, हम लोग का फ्लावर का चैप्टर बन, फ्लावर हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसका, सब हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट, मतलब फ्लावर क्या है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। जैसे हम लोग कोई भी फ्लावर देखते हैं तो हम लोग को जब कोई भी प्लांट्स में हम लोग फ्लावर देखते हो, सबसे पहले नज़र मेरा फ्लावर पर ही जाता है, क्योंकि फ्लावर मेरा क्या करता है, किसी भी लिविंग थिंग्स को उसको ना अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हम लोग फ्लावर देख के बहुत लोग क्या हो जाता है, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह कितना प्यारा है, जाके तोड़ने लगेंगे या जाके उसको स्मेल करने लगेंगे। तो फ्लावर हर कोई के लिए मतलब क्या है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव है। फ्लावर इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव और कलरफुल ऑफ द फ्लावरिंग। और मेरा प्लांट का कलरफुल पार्ट मेरा कौन होता है, फ्लावर ही होता है। हम लोग लिप्स भी देखते हैं तो लिप्स क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन फ्लावर ऐसा नहीं है। फ्लावर क्या होता है, कलरफुल होते हैं, एक ही कलर का नहीं होता है, येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, हर एक कलर का अलग अलग तरह का मेरा फ्लावर का कलर होता है।
अब फ्लावर में कि फ्लावर हम लोग का निकलता कहाँ से है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फ्लावर हम लोगों का निकलता है बर्ड से, फ्रूट बने चाहे कुछ भी बने, तो सबसे पहले फ्रूट भी बनेगा तो सबसे पहले मेरा फ्लावर आएगा। फ्लावर के बाद वो धीरे धीरे वो सूखने लगता है तो वो धीरे धीरे फ्रूट्स में अब चेंज होता है, उसके हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लावर में देखेंगे तो फ्लावर मेरा आएगा कहाँ पर, फ्लावर मेरा आता है बर्ड से। तो बर्ड मतलब क्या होता है, कली। हम लोग पहले भी जानते हैं कली किसको कहते हैं। तो हम लोगों को, हम लोग देखे हैं कि क्या होता है फ्लावर, बहुत मतलब कि ये बर्ड्स मेरा बहुत मतलब ऐसे बना हुआ रहता है और उसके चारों ओर मेरा क्या रहता है, ग्रीन लीव्स होते हैं। उस ग्रीन लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, द फ्लावर जो अट्रैक्ट होता है, फ्लावर मेरा निकलता कहाँ है, तो ये बात पता है कि रूट से नहीं शूट से आता है। ठीक है, सूट किसको कहते हैं, जो मेरा ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सूट। तो सूट में हम लोग का स्टीम होता है, क्या होता है, स्टीम। स्टीम में ही एक मेरा स्टीम होता है, तो स्टीम में ही मेरा क्या होता है, बर्ड निकलता है। जैसे स्टीम होगा, स्टीम में मेरा क्या निकलेगा, बर्ड। बर्ड किसको कहेंगे, वही मतलब कली। तो वो कली आएगा कहाँ से, तो कली मेरा आता है स्टीम के ये सूट से, ये स्टीम के ये स्टॉल्क से। स्टॉल्क किसको कहते हैं, जो ये पेडिसल्स होता है, पेडिसल्स किसको कहते हैं, फ्लावर के जो नीचे एक जो पतला वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग तोड़ते हैं, जो हम लोग डंठल कहते हैं, डंटी जो लिए रहते हैं उसी को हम लोग पेडिसल्स कहते हैं। पेडिसल्स और स्टीम ये दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉल्क कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टॉल्क कहेंगे। तो मेरा अब ये तो पता चल गया, मेरा पेडिसल्स किसको कहते हैं, जो हम लोग डंठल तोड़ते हैं, जो फ्लावर में नीचे रहता है उसी को हम लोग कहते हैं पेडिसल्स। और उसके ऊपर जो होता है पेडिसल्स, तो पता चल गया, इसके ऊपर जो यहाँ पे एक स्वेलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, स्वेलो मतलब मोटा सा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। तो थैलेमस मेरा क्या होता है, अपर स्वेलोन एंड ऑफ द पेडिसल्स। पेडिसल्स के ऊपर एक स्वेलो स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस और ये मेरा क्या कहते हैं कि जिसमें मेरा, जिस फ्लावर में मेरा पेडिसल्स, बहुत सारे ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें मेरा पेडिसल्स नहीं होते, जिसमें मेरा डंठल नहीं होते, उसको हम लोग कहते हैं सेसल। उसको कहते हैं कौन सा फ्लावर, सेसल फ्लावर। अब हम लोग का क्या आता है, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में मेरा कितना होता है पार्ट ऑफ फ्लावर, तो हम लोग का एक होता है कैलेक्स, एक होता है कोरोला, नेक्स्ट होता है एंड्रोसियम, एंड नेक्स्ट होता है गाइनोसियम। तो मेरा कैलेक्स है क्या, तो मेरा कैलेक्स इसको कहते हैं जिसको हम लोग सेपल जानते हैं। किसको कहते हैं, सेपल। मेरा जो बर्ड होता है, जो मेरा कली होता है, कली को मेरा क्या करता है, कली क्या करता है, प्रोटेक्ट किए रहता है। किसको प्रोटेक्ट किए रहता है, फ्लावर को। फ्लावर मतलब अंदर जो ये जो उसका पंखुड़ी होता है, जो अंदर का जो भी मेरा पार्ट होता है, उसको मेरा क्या करता है, बर्ड जो होता है, बर्ड का जो मेरा सेपल होता है, सेप्पल जो मेरा ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या किया रहता है, प्रोटेक्ट किया रहता है। तो कैलिक्स हम लोग उसी को कहते हैं, सेप्पल को ही कहते हैं। तो सेप्पल का क्या काम है, प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, फ्लावर का। तो मेरा कैलिक्स, मेरा फ्लावर जो है, जो सेप्पल मेरा है कहाँ, तो ये मेरा जो फ्लावर, जो मेरा जो बर्ड होता है, जब खिलने रहता है, खिल के जो नीचे ऐसे निकलने रहता है, जो नीचे वाले पार्ट जो मेरे निकलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सेप्पल। जब ये फ्लावर तो मेरा बड़ा हो गया, ये फ्लावर का हर एक पार्ट मेरा निकल गया, तो मेरा नीचे क्या हो जाता है, सेप्पल मेरा नीचे आ जाता है। और सेपल क्या क्या जाता है, सबसे पहले उसका क्या काम है, बर्ड को प्रोटेक्ट करना, कली को प्रोटेक्ट करना। अगर मेरा बर्ड्स में सेपल ना हो तो वो कली को मेरा क्या हो जाएगा, तुरंत झड़ के निकल जाएगा। आप घर पे खुद देख सकते हैं, एक कली तोड़ी, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट, उसको आप तोड़ के देखिएगा, वो तुरंत मेरा बर्ड क्या हो जाएगा, अंदर का जो भी फ्लावर है वो मेरा क्या हो जाएगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो यही मेरा कैलेक्स को ही हम लोग सेपल कहते हैं, और मेरा बर्ड को ये प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, कोरोला। कोरोला को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। पेटल्स किसको कहते हैं, फ्लावर्स के पंखुड़ी को। प्लांट फ्लावर के पंखुड़ी होता है, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव पार्ट मेरा क्या होता है, फ्लावर के पंखुड़ी, और थोड़ी ना कुछ अट्रैक्ट करते हैं, मेरा फ्लावर के पंखुड़ी ही अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग कोरोला को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। पेटल्स किसको कहते हैं, जो मेरा अट्रैक्टिव पार्ट होता है, अट्रैक्टिव पार्ट मेरा क्या होता है, प्लांट का, फ्लावर्स का पंखुड़ी। तो वो मेरा क्या होता है, फ्लावर का सबसे लार्जेस्ट पार्ट मेरा क्या होता है, पेटल्स ही होता है। अच्छा आप लोग ही देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा क्या लिख रहा है, दिख रहा है, यही ना दिख रहा है, पेटल्स ही दिख रहा है ना, जो मेरा कलरफुल होते हैं वो मेरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, और बहुत ब्राइट होता है, बहुत ब्राइट होता है, वो बहुत चमकीला होता है। वो क्या करता है, इंसेक्ट को, वो पॉलिनेशन के लिए वही अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करता है,
पेटल्स जो है वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? ये पॉलिनेशन कराने के लिए। पॉलिनेशन होगा तभी तो मेरा अलग फ्लावर होगा, दूसरा फ्लावर बनेगा। तो पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन जो होता है द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, जो एंथर टू स्टिग्मा है वो जो ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। अब एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये सब सबको हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का सबसे पहले क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेरा होता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव होल। अच्छा, मेल फीमेल होता ही है, तो चलिए फ्लावर में भी होता है। फ्लावर में क्या होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल मेरा होता है, और मेरा गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल। तो मेरा एंड्रोसियम जो मेल होता है, तो एंड्रोसियम के अंदर आता क्या क्या है, इस फ्लावर में जो पिक्चर बनाया है उसके अंदर मेरा क्या क्या आता है, तो मेरा आता है क्या, फिलामेंट और एंथर। ये जो मेरा दोनों पार्ट है, इसको बन के पूरा, ये दोनों पार्ट, ये मेरा पूरा पार्ट क्या है, एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रो, ये मेरा हो गया मेल पार्ट, ये मेरा क्या हो गया, मेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट क्या हो गया, एंथर और फिलामेंट। अब मेरा एंथर और फिलामेंट हम लोग को दिख ही रहा है, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक है, एकदम पतला से, यहाँ पे तो मोटा लग रहा है, लेकिन फ्लावर को आप लोग तोड़ के देखिएगा, एकदम पतला सा रहता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। उसके ऊपर एक छोटा सा मेरा ड्रॉप जैसा, बिंदु जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन में यही दोनों का मेरा काम आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, अब पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसा होता है। अच्छा, फ्लावर को जब हम लोग ऊपर में ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे सब लोग करते हैं, येल्लो टाइप का पाउडर टाइप का हम लोग को कुछ निकलता है। एक बार तोड़कर ऊपर फ्लावर को, ऐसे ऊपर वाला एंथर को एक बार तोड़कर हम लोग देखेंगे, उसमें जब देखेंगे तो मेरा मतलब पाउडर टाइप का आएगा, वही पाउडर मेरा क्या होता है, पॉलन ग्रेन। वही मेरा पॉलिनेशंस के वक्त वही मेरा काम आता है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन मेरा होता कहाँ है, तो पॉलन सेक्स में। पॉलन सेक्स मेरा होता क्या है, सबसे पहले जब हम एंथर और एंथर को जब हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एंथर को अच्छे से तोड़ कर बताएंगे, तो उसके अंदर मेरा क्या आता है, एंथर लोब और एंथर, और एंथर, एंथर लोब और एंथर के अंदर ही मेरा क्या होता है, पॉलन सेक्स होता है। और पॉलन सेक्स में क्या होता है मेरा, उसी के अंदर मेरा येल्लो पाउडर स्ट्रक्चर होता है। वही येल्लो पाउडर, जो येल्लो पाउडर टाइप का रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, गाइनोसियम। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज एंड्रोसियम ही तक बता दे रहे, और एंड्रोसियम गाइनोसियम का कल पिक्चर बना के फिर अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।